हम सभी को इतना समझ लेना चाहिए कि जिस तरह आप देख रहे हैं कि आज ऑक्सीजन के लिए मारामारी चल रही है और जिस तरह से हम लोग ऑक्सीजन के लिए जूझ रहे हैं, यही आने वाले समय में आप देखेंगे पानी के लिए भी होगा। अभी भी आप लोगों को मालूम होगा कि कई शहरों में पानी की दिक्कत रहती है। आप समझ सकते हैं कि हमारे पास पानी की कोई कमी नहीं है। आप लोगों को मालूम होगा कि 71% लगभग पृथ्वी पर 71% पानी है और 29% के पास आपके स्थल है, लेकिन आप देखते हैं कि अधिकतर पानी आपका महासागरों में भरा हुआ हुआ है या सागरों में भरा हुआ है। देखिए, यह हिंद महासागर है। अब आप सोचिए कि हिंद महासागर का पानी अगर उपयोग करने लायक होता, पीने लायक, नहाने लायक, इन कामों के लिए अगर होता तो हमारे पास पानी की कोई कमी नहीं रहती। ये आप समझ सकते हैं कि यहाँ आप लोग उत्तरी प्रशांत महासागर हो गया, ये आप देखेंगे यहाँ आपको दक्षिण अंध महासागर, उत्तरी अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर, पानी काफ़ी है हमारे पास। लेकिन आप देखेंगे 100% में से मात्र 1% पानी, और 1% से भी कम पानी हमारे लिए उपयोग के लिए है। आप समझ रहे हैं? तो आप समझिए कि एक समय आपने देखा होगा कि एक बरसात हुआ करती थी और पानी ही पानी चारों तरफ दिखाई देता था, और आप देखते थे कि कुआं हो, फिर चाहे आपका बोरवेल हो, आप लोग आसानी से पानी उपलब्ध हो जाता था। आज क्या स्थिति बनी हुई है? समझ रहे हैं आप लोग? तो इस आर्टिकल को देखिए, इस तरह के आर्टिकल कोई निकलते हैं तो उन्हें पढ़ते रहा करिएगा। इनसे एक तो क्या होता है कि हम लोग जागरूक होते हैं, दूसरा जब भी आंसर राइटिंग करते हैं या निबंध लिखते हैं तो आप समझिए तब भी आपके लिए काफ़ी आंकड़े मिल जाते हैं यहाँ से। ठीक है, तो बचाना होगा पानी। और ये किसके द्वारा लिखा गया आर्टिकल? ये दैनिक, ये आपका जनसत्ता में लिखा गया है, प्रदीप श्रीवास्तव जी के द्वारा। ठीक है, इन्होंने क्या कहा है इसमें? पृथ्वी पर उपस्थित कुल जल का मात्र 1% जल ही उपयोग है, उपयोगी है। यानी कि कहने का मतलब 100% जल है जो, उसमें से केवल हम लोग 1% या उससे कम ही हम लोग उपयोग करने लायक पानी हमारे पास उपलब्ध है। इस 1% जल का दुनिया के करीब 8 अरब आबादी सहित सारे जीव और वनस्पतियां निर्भर हैं 1% पर। एक तरह से आप इस तरह समझ सकते हैं कि 100 लीटर जल है, उसमें से आप समझिए कि 99 लीटर जल हमारे उपयोग लायक नहीं है। 1% जल आप समझ सकते हैं कि हमारे उपयोग के लिए एक तरह से बना हुआ है। इस मीठे जल में से आप देखेंगे सिंचाई हो, कृषि हो, तमाम उद्योग संचालित होते हैं, और जाहिर भी है कि आने वाले वक्त में जल संकट और गंभीर रूप लेता जाएगा। अभी भी आप देखिए कि कई किलोमीटर से लोग पानी लाते हैं, बुंदेलखंड के क्षेत्र में आप लोग, या फिर आप लोग बघेलखंड के क्षेत्र में जाइए, यहाँ काफ़ी मारामारी चलती है पानी के लिए, दूर दूर से पानी भर के लाना पड़ता है। ठीक है, हम आदिकाल से जल संरक्षित करते आ रहे हैं, यानी कि उसकी एक तरह से हम लोग सुरक्षा करते आ रहे हैं, पेड़ लगाते आ रहे हैं, लेकिन इस समय आप देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है प्रकृति को। ठीक है, और आप समझ रहे कि हमारे पास ऑक्सीजन की भी कमी पड़ रही है। हमारे पास एक तरह से आप कहिए कि गैसों की कमी नहीं है, काफ़ी है, लेकिन उसमें से ऑक्सीजन कितनी है ये मायने रखती है। लेकिन आधुनिक जीवन शैली ने प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण की सोच को मात्र कुछ गैर सरकारी संगठनों और सरकारों तक ही सीमित कर दिया है, और हम लोग इसके प्रति जागरूक भी कम है। आप समझ सकते हैं कि हम लोग पेड़ काटते जा रहे हैं, लगाने की बात नहीं करते हम लोग। आप समझिए, अगर आपने 10 पेड़ काट दिए तो 5 कम से कम लगा सकते हैं। आप देखते हैं कोई पावर प्रोजेक्ट चलता है, इस तरह के कोई प्रोजेक्ट चलते हैं, उसमें हजारों पेड़ काटे जाते हैं, दूसरी जगह उतने ही पेड़ आप लोग लगा भी सकते हैं, लेकिन ये नहीं होता है। ठीक है, लगता ही नहीं है कि जल, वायु, जमीन या फिर अन्य प्राकृतिक संसाधनों की भी सीमा है, और ये अनंत काल तक चलने वाले नहीं है, एक समय के बाद बड़ा मुश्किल होगा। आज जिस तरह से ऑक्सीजन देख रहे हैं आप लोग, अगर हमें सीखना ही है तो हम अपने इतिहास से काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। और एक बात और आपको याद होनी चाहिए, इतिहास एक ऐसा, मतलब आप समझिए, स्थिति रही है कि उससे हम लोग काफ़ी सीख सकते हैं। मान लीजिए कि आपने देखी कोई गलती इतिहास में हुई है, उसे सुधारा गया है, तो आप भी तो उससे सीख सकते हैं। ठीक है, अब आप सोचिए कि और इसी कोरोना महामारी से बहुत कुछ सीखा जा सकता है कि आने वाले समय में अगर इस तरह का कोई वायरस या बीमारी आती है तो उसमें हम लोग स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हो, ऑक्सीजन हो, इस तरह की व्यवस्थाएं ठीक कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे यहाँ आदिकाल में जब पर्याप्त पानी था तब भी जल संरक्षण के पुख्ता इंतजाम किए जाते थे, और उन्हीं तरीकों में थोड़ा बहुत बदलाव करके आज हम पानी की समस्या से काफ़ी हद तक मुक्ति पा सकते हैं। और भारत में जल संरक्षण का एक बेहतरीन इतिहास रहा है,
और यहाँ जल संरक्षण की मूलवान पारंपरिक सामाजिक एवं सांस्कृतिक परंपरा है और जिसे ना सिर्फ जानना है बल्कि हमें उसे उसे अपनाना ही होगा। और याद रखिए, सरकारों के भरोसे हम नहीं बैठ सकते हैं। आज आप स्थिति देख भी तो रहे हैं। और एक बात और आपको मालूम होना चाहिए कि जब तक हर व्यक्ति जागरूक नहीं होता है, मदद नहीं करता है, तब तक हम लोग इसमें सफलता भी नहीं पा सकते हैं। वैदिक काल में आप जब देखेंगे कि जल संचयन का काम प्राकृतिक और कृत्रिम दोनों तरीके से होता था। अगर अभी के हालात देखे जाएं तो देश की अर्थव्यवस्था और सामाजिक व्यवहार व्यवस्था की धुरी जल प्रबंधन ही है। इस पर आप देखेंगे कृषि हो, औद्योगिक एवं तकनीकी प्रगति निर्भर 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 करती है। और भारत में भू जल विज्ञान का भी 5,000 साल से भी अधिक पुराना है। आप देखेंगे वैदिक साहित्य में इसके, और इसमें आप देखेंगे श्लोकों, सूत्रों, स्तुतियों के रूप में विभिन्न देवता आदि की उपासना की गई है। और एक बात और याद रखिए, कई लोग विज्ञान के क्षेत्र से देख सकते हैं, इसका मूल्यांकन कर सकते हैं। और जब आप लोग इस तरह के ग्रंथों या फिर भावनाओं से जुड़ जाते हैं या भगवान पर भरोसा करते हैं, तब भी धार्मिक ग्रंथों से जुड़ते हैं, तब भी आप लोग इनका अच्छे से मूल्यांकन कर सकते हैं। अब आपने देखा होगा कि पीपल के पेड़ को ना काटने की सलाह दी जाती है। क्यों दी जाती है? आप जानते हैं कि ऑक्सीजन सबसे ज्यादा एक तरह से उत्पन्न करता है वो। और इसीलिए आप देखते हैं कि अगर आप लोग धार्मिक मान्यताओं की बात करें तो कहा गया है कि पीपल में भगवान निवास करते हैं, इसलिए नहीं काटना चाहिए। और दूसरा, आप विज्ञान की तरफ से देखिए कि इसलिए बचाने की बात की गई उसे कि उसमें मतलब ऑक्सीजन उत्पन्न कर रहा है। समझ रहे हैं आप लोग? सबसे ज्यादा ऑक्सीजन दे रहा है, तो आप समझ सकते हैं। इंद्र, वायु, अग्नि, इस तरह के देवताओं की एक तरह से मान लीजिए कि आप अगर विज्ञान से हैं, आप अगर भगवान पर भरोसा नहीं करते, तो आप समझ सकते हैं कि किस लिए इस तरह की मनगढ़ंत कहानी गढ़ी गई होंगी। अगर आपको लगता है ये सभी गढ़ी गई कहानी है, क्योंकि आप जानते हैं कि रामायण तक को लोग कहते हैं कि ये सभी मनगढ़ंत कहानी है, तो आप समझ सकते हैं कि रामायण में भगवान श्री राम, आप कह सकते हैं कि भगवान श्री राम कोई था ही नहीं इस तरह के, लेकिन इस तरह की मनगढ़ंत कहानी बना दी गई है। तो आप समझिए किस लिए बनाई गई थी। इससे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, भगवान राम से सीख सकते हैं, हनुमान जी से सीख सकते हैं, आप समझिए आप लोग रावण से भी सीख सकते हैं, सीता से भी सीख सकते हैं। पुरुषों में उत्तम पुरुषोत्तम राम किस तरह से एक व्यक्ति को होना चाहिए, एक आप समझ सकते हैं कि महिला को किस तरह से पत्नी को होना चाहिए, भाई को किस तरह से होना चाहिए, ये सब सीख मिलती है उससे। लेकिन हम लोग अलग ही कुछ लगे रहते हैं, ठीक है, ये छोड़िए आप लोग। और प्राचीन भारतीय सभ्यता में जल ही जीवन है का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था। और वैदिक साहित्य में जल स्रोतों, जल के महत्व और इसकी गुणवत्ता एवं संरक्षण की बात बारंबार की गई है। और वैदिक काल में जल प्रबंधन का कार्य बेहद एवं अति उत्तम विधियों से किया जाता था। चरक संहिता में भी भू जल की गुणवत्ता की चर्चा की गई है। बेहद संहिता के 94वें अध्याय में जमीन के नीचे के पानी का पता बताने वाले वृक्षों, जीवों, भूमि और चट्टानों से जुड़े विशेष संकेतकों और कुआं खोदने की विधि का वर्णन मिलता है। और आप लोग जब भी आप समझिए कि जल संरक्षण पर कोई निबंध, आंसर, मतलब उत्तर लिखने के लिए आता है, तो इन आंकड़ों का आप लोग जरूर उपयोग किया करिएगा, ठीक है। एक से क्या होता है कि एक प्रभावशाली आंसर भी हो जाता है। कुछ ऐसे वृक्ष मौजूद हैं जो अपने नीचे की जमीन में पानी की मौजूदगी की जानकारी देते हैं। आज के पारिस्थितिक विज्ञान और वाराह मिहिर के परंपरागत विज्ञान के बीच भी संबंध मिलता है। प्रकृति ने पृथ्वी के 71% भाग को जलमय बनाया है, और इतना ही नहीं, स्वयं हमारे शरीर का 67% भाग जल ही है। आप समझ सकते हैं कि जल का कितना महत्व है। आप समझिए, भूख से मुझे लगता है एक टाइम के लिए आप रह सकते हैं, लेकिन जल से आप लोग सोचिए, एक दिन आप लोग जल ना पीजिए, पता चल जाएगा। जल जीवन के लिए सर्वाधिक आवश्यक वस्तु है, लेकिन आज उसके स्रोत घटते जा रहे हैं। आज दुनिया को सुरक्षित और ताजा जल स्रोतों की तत्कालिक जरूरत है, और स्वास्थ्य की रक्षा, उसे बनाए रखने के लिए पेयजल और स्वच्छता सुविधाएं मूल आवश्यकताओं में शुमार हो गई हैं। और आप याद रखिए, प्रदूषित जल से भी कई लाख लोगों की डेथ होती है, क्योंकि आप देखते हैं अधिकतर जगह प्रदूषित जल मिलता है, ठीक है। सभी लोगों के लिए जलापूर्ति और स्वच्छता उनके स्वास्थ्य और विकास संबंधी मुद्दों की दृष्टि से एक राष्ट्रीय चुनौती बन गया है।
भूजल की गुणवत्ता में निरंतर गिरावट आ रही है और एक अनुमान के अनुसार देश की 14 लाख से ज़्यादा बस्तियों में दूषित पानी पहुंचता है जो पीने लायक भी नहीं होता है। सवाल है ऐसे में कैसे लोगों को साफ पानी मिले। और आप तो रखे रहते हैं वाटर फ्लो पे और इस तरह के, नहीं अपनी व्यवस्था कर लेते हैं। अन्य देशों की तरह भारत में भी जल संकट की समस्या गंभीर है और तेजी से होते शहरीकरण से तालाब और झीलों जैसे परंपरागत जल स्रोत खत्म हो गए हैं। आपने देखा है कि एक तरह से बरसात होती थी तो तालाब हो फिर इस तरह के तलैया हो इनमें आराम से रह जाता था और आप सोचिए कि भूजल स्तर वहाँ का बढ़ा देता था। लेकिन आपको आप देखने को मिलेगा कि पानी विकास काफ़ी हो रहा है, इस तरह के प्रोजेक्ट बनाए जा रहे हैं कि पानी बरसता है आराम से बह के निकल जाता है। जब धरती में नहीं पहुंचेगा तो आप समझिए कि जल स्तर में क्या सुधार होगा। ठीक है, और केंद्रीय भूजल बोर्ड के विभिन्न राज्यों में कराए गए सर्वेक्षणों से भी यह बात स्पष्ट होती है कि इन राज्यों के भूजल स्तर में 20 सेंटीमीटर प्रतिवर्ष की दर से गिरावट आ रही है। और समझ सकते हैं भारत में वर्तमान में प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 2000 घन मीटर है, लेकिन आप देखेंगे इसमें 1% जल पर दुनिया की करीब 8 अरब आबादी सहित सारे जीव और वनस्पतियां निर्भर हैं। और इस सिंचाई कृषि और तमाम उद्योग संचालित भी होते हैं और जाहिर है कि आने वाले वक्त में जल संकट और गंभीर रूप लेता जाएगा। इससे आप देखेंगे देश में खाद्यान्न संकट पैदा होगा और उद्योग खत्म होंगे होने लगेंगे, पलायन, बेरोजगारी, आपसी संघर्ष को बढ़ावा मिलेगा और देश की अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान पहुंचेगा। क्योंकि आप समझिए आप लोग उद्योग में भी पानी ही लगता है, आप लोग किसानी के लिए एक तरह से आप समझ सकते किसका पानी का उपयोग होता है। और भी आप लोग देखते होंगे कि कोई भी इस तरह का प्रोजेक्ट हो पानी पर ही अधिकतर निर्भर रहता है। ठीक है, इसे भी आप देख सकते हैं। भारतवर्ष में विश्व के कुल मीठे जल की मात्रा का 2.5% जल मौजूद है और जिसका आप देखेंगे 89% हिस्सा कृषि क्षेत्र में उपयोग किया जाता है। और हमारे यहाँ देखते हैं आप लोग कि मानसून का जुआ भी कहते हैं खेती को, क्योंकि अधिकतर पानी पर ही, बरसात के पानी पर ही डिपेंड रहती है खेती। आप लोग बुंदेलखंड के क्षेत्र में जाइए, आप लोग अगर उनने बुआई कर दी, अगर पानी अच्छा बरस गया हो जाएगी, वरना राम नाम सत्य है। इस वक्त देश के सभी हिस्सों में जल प्रबंधन पर तमाम तत्काल काम शुरू किए जाने की जरूरत भी है और इसके लिए आप देखेंगे कृषि क्षेत्र से शुरुआत करनी होगी। क्योंकि आप देखेंगे सर्वाधिक मात्रा में आप देखें कृषि कार्यों में ही जल का उपयोग किया जाता है और ये आप भी जानते हैं। सिंचाई में जल का दुरुपयोग एक गंभीर समस्या बनी हुई है। आम धारणा है कि अधिक पानी अधिक उपज, जो कि गलत है। फसलों के उत्पादन में आप देखेंगे सिंचाई का योगदान 15-16% है और बूंद बूंद सिंचाई, फव्वारा तकनीक और खेती के समतलीकरण से सिंचाई में जल का दुरुपयोग रोका जा सकता है और फसलों को जीवन रक्षक या फिर पूरक सिंचाई देकर उपज को दोगुना भी किया जा सकता है और ढाल के विपरीत जुताई और खेतों की मेड़ बंदी से भी पानी रुकता है। छोटे बड़े सभी कृषि क्षेत्रों पर क्षेत्रफल के हिसाब से तालाब बनाना जरूरी है और ग्राम स्तर पर बड़े तालाबों का निर्माण गांव के लिए उपयोगी भी है। साथ ही आप देखेंगे यह भूगर्भ जल स्तर को बढ़ाता है और देश की मानसूनी वर्षा का लगभग 75% जल भूमि जल की कमी दूर करता है। देश के विभिन्न पारिस्थितिकीय क्षेत्रों के अनुसार लगभग 3 करोड़ हेक्टर मीटर जल का संग्रहण किया जा सकता है और कृषि के बाद शेष 11% जल का उपयोग मानवीय उपभोग तथा उद्योगों में किया जाता है। और इसमें आप लोग भी योगदान कर सकते हैं अपना। देखिए आप लोग गांव में, आप देखते हैं कि पहाड़ी पर कहीं जगह डली हुई है, वहां भी तो डैम या फिर तालाब बनाए, तलैया बनाई जा सकती है, पानी को रोका जा सकता है वहां भी। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रख सकते हैं। या आप देखते हैं बरसात में, आपके यहाँ बरसात होती है उस समय भी आप लोग पानी इकट्ठा कर सकते हैं, या आप लोग इस तरह की कोई व्यवस्था कर सकते हैं कि जो पानी रिस कर धरती में जाए। ठीक है, भारत में जल के वैश्विक स्रोतों का सबसे बड़ा उपभोक्ता है और पूरे विश्व में भारत में पानी का अत्यधिक प्रयोग 13% होता है। भारत के बाद आप देखेंगे चीन में 12% होता है, यानी कि हम लोग सबसे ज्यादा पानी का उपयोग करते हैं। अमेरिका में आप देखेंगे 9% जल का उपयोग होता है। एक रिपोर्ट के अनुसार 2050
तक बहुत सी भारतीय नदियों में पानी का संकट होगा और भारत को प्रति वर्ष वर्षा और बर्फ से बहकर आने वाली नदियों से औसतन 4,000 अरब क्यूबिक मीटर जल प्राप्त होता है। और भारत में 4,500 से ज्यादा बांध भी है और जिसकी संग्रह क्षमता 220 अरब क्यूबिक मीटर है। और इसमें जल संग्रह के छोटे छोटे स्रोत शामिल नहीं है और जिनकी क्षमता 610 अरब क्यूबिक मीटर है। फिर भी हमारी प्रति व्यक्ति संग्रहण की क्षमता ऑस्ट्रेलिया, चीन, मोरक्को, दक्षिण अफ्रीका, स्पेन और अमेरिका से बहुत कम है, यानी कि इन सभी देशों से हम लोग पीछे हैं। प्राणी जगत के लिए जल अत्यावश्यक है और इसलिए आप देखेंगे प्राकृतिक संसाधनों का हनन नहीं होना चाहिए। पहाड़ों और जल स्रोतों, वनों को एक सूत्र में बांधा जाना बहुत जरूरी है और इसके माध्यम से ही जल संरक्षण संभव है। इसलिए जंगलों, नदियों को बचाना जरूरी भी है क्योंकि इन दोनों से ही लोगों को पीने का पानी और पर्याप्त शुद्ध वातावरण भी मिलेगा। और आप भी देखते होंगे कि एक समय था कि पानी काफी उपलब्ध रहता था, आज आप सोच रहे हैं कि कितने 25 से 30 रुपए की 1 लीटर की बोतल मिलती है पीने के लिए। तो आप समझ सकते हैं कि क्या स्थिति बनने वाली है। ये वही ऑक्सीजन आप समझ रहे हैं जिसके लिए किल्लत पड़ी हुई, मारा मारी चल रही है। ये आप समझ सकते हैं पेड़ हमने लगाए होते और पेड़ ना काटे होते तो हमारे पास ऑक्सीजन की कहाँ कमी है। अभी भी आप जाइए गांव की तरफ, खुले वातावरण में आप लोग ऑक्सीजन लीजिए, ठीक है। तो आप लोग भी करते रहा करिएगा, पेड़ मेड़ आप भी लगा सकते हैं आराम से, ठीक है।